अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी प्यारी बहन बरेलवी लला बतूल नादान बच्ची, इसने एक वीडियो के अंदर मुझे जवाब दिया है। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि यार इनके पल्ले कख नहीं है, ठीक है। जिरम मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इनको वहाँ पर जाके फेंका है जहाँ से इनको पानी भी नहीं मिल रहा। अब ये अपने दिल को तसलियाँ देने के लिए इस तरह की बहकी बहकी वीडियोज बना रहे हैं। उसी पागलपन में इस नादान बच्ची ने मेरे ऊपर अली भाई के ऊपर इतना बड़ा झूठ बांध दिया है जिसकी कोई हकीकत नहीं है, और ये इस मामले में 100% अल्लाह पाक की लानत के मुस्तहिक हो चुकी है। इसके अलावा जाओ मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसमें जाओ इसने जबर जेर की गलती निकाली है, और उस गलती की बुनियाद के ऊपर इसने मुझे जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया और कह दिया कि भाई ये जाओ सबसे बड़ा जाहिल है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं पहले आप ये वीडियो देख लें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। और बोला था कि यही मिनस समय तो आज तक हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, फिर वो अपने जाहिल फॉलोअर्स को जिस तरह कहानी डालता है ना उसी तरह कहानी डालने की कोशिश की और बोला कि ये लो लेना रेफरेंस, वैसे मैं तो रेफरेंस मांगी थी। ओ भाई यही मिनस समीउल अलीम लफ्ज़ कहीं भी नहीं है, ये लफ्ज़ निकाल के दिखाओ। वैसे यही मिनस समीउल अलीम तो हमने आज तक कहीं नहीं पढ़ा। और फिर मुजतहिद साहब की औज़ बिल्लाह बजाते बजाते शदीद खास मिर्ज़ा साहब के सबसे बड़े शदीद ने बजाते खुद औज़ बिल्लाह पढ़ के भी सुनाया। खुद जायजा लीजिए, पढ़ के भी सुनाता हूं। औज़ बिल्लाह समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिल्कुल आपने टीचर के नक्शे कदम पे चल रहे हो। ओ भाई ये समी उल आलिम नहीं है, ये समी इल आलिम है। अब सबसे पहला इसने बहुत बड़ा झूठ बांधा है कि अंजलि मिर्जा ने इस नादान बच्चे के हवाले से मुझसे रابطہ किया और मुझे कहा कि गुलाम हैदर तुम जाओ इस लला बतूल के ऊपर वीडियो बनाओ और इस तरीके जाओ सारे मामले को लेके चलो। तो मैं इस सवाल से जाओ एक ही बात कहूंगा और वो ये है कि मेरी बहन झूठों पर अल्लाह पाक की लानत। मुझे शिया कहते हैं ना कि भाई लानत, इसी तरीके से जाओ आपके ऊपर बहुत बड़ी लानत है, और ये लानत आपके ऊपर 100% पड़ चुकी है क्योंकि मुझे पता है अल्लाह पाक इस चीज के गवाह है कि मेरी जाओ अली भाई से कोई भी इस वाले से बात है नहीं हुई, ठीक है ना। तो इस वाले से जाओ आपके ऊपर 100% लानत पड़ चुकी है क्योंकि आपने इस वाले से झूठ बोला है, बहुतान बांधा है। और इससे अगली बात मैं आपको करूं कि भाई आपकी इतनी हैसियत है, आपकी इतनी जाओ औकात है कि जर मोहम्मद अली मिर्जा साहब आपको इस वाले से डिस्कस करें। मेरी बहन जिया साहब आपके बड़े उससे बड़ों को कुछ नहीं समझते, तो आप क्या चीज हो, आप किस खेत की मूली हो। तो ये मैंने आपको इस वाले से बात क्लियर कर दी है। अब दूसरी बात, आपने जाओ मेरी अरबी पढ़ने में जो हदीस मैंने पढ़ी उसमें से गलतियां निकाली हैं कि मैंने जबर को जेर पढ़ दिया या फिर पेश पढ़ दिया है या फिर सही से जाओ मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं उस वाले से अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। सच्ची मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा था आप समझ के हदीस वाली, उस दिन मैंने हदीस पढ़ते हुए गौर नहीं किया। वो कुछ ऐसे मामला थे, मेरा जहन किसी और तरफ चल रहा था, मैंने गौर नहीं किया, और वल्लाह ही अगर मैं गौर करता तो इस तरह गलती नहीं मिलती। लेकिन फिर भी मैंने कह दिया कि मैं अपनी गलती इस वाले से तस्लीम करता हूँ कि मुझसे जाओ इस वाले से गलती हुई है। लेकिन मेरी बहन आपने इस गलती की बुनियाद के ऊपर मुझे कहा है कि ये सबसे बड़ा जाहिल है, ठीक हो गया, और दूसरा मुझे जीरो से मल्टीप्लाई भी किया है, तो अब यहां पर मैं तो हो गया जाहिल, मान लिया आपकी बात। लेकिन अब जो आगे मैं बातें करने लगा हूं ना, इसको आपने ध्यान से और बड़े गौर से सुनना है। आपके उलमा इकराम तो पढ़े लिखे हैं ना, उनके पास तो इल्म है ना, उनको अरबी आती है ना, वो तो कुरान सही से पढ़ते हैं ना। अगर हम आपके बड़े बड़े उलमा कराम से आपको तजवीद की जेर जबर की गलतियां निकाल के दिखा दें, तब फिर आपने जेर जबर की गलती करने के ऊपर मुझे कहा है कि ये जाहिल है, इसको पढ़ना नहीं आता, इसको कख भी नहीं पता। इसी तरीके से जाओ आपने अपने बड़े उलमा कराम को भी जीरो से मल्टीप्लाई करना है, उनको जाहिल कहना है, और ये कहना है कि इतने बड़े बड़े आलिम हो गए हैं, इनको कुरान पढ़ना नहीं आता। अब आप यहाँ पर ये बात कहते हैं कि मैं कैसे गलतियां निकालूंगा, मैं तो जाहिल हूँ। तो मेरी बहन अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं अपने साथ कारी हजरात को बिठाऊंगा जो आपके मदरसों से जाओ डिग्रियां लेकर आए हुए हैं कारी की, उस वाले से जाओ वो हाफिज की, ठीक है ना, तो वही आपको इस वाले करके सब कुछ दिखा देंगे। अगर आप ये बात कहते हैं कि भाई उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि हम जाओ सबसे बड़े कारी हैं या सबसे बड़े हाफिज हैं, हमारी गलती नहीं हो सकती, तो मेरी बहन मैंने कब दावा किया था कि मैं जाओ बहुत बड़ा कारी हूँ या मैं बहुत बड़ा जाओ हाफिज हूँ, मेरी जाओ कुरान पाक पढ़ने में गलती हो नहीं सकती। मैंने कहाँ पर दावा किया था, मैंने दावा नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने मेरी जेर जबर की गलती के ऊपर मुझे कह दिया कि ये जाहिल है, ठीक है। तो अब इसी असूल के मुताबिक जिस तरह आपने मुझे जाहिल कहा है ना, अब आपने अपने बड़े बड़े उलमा कलाम को जाहिल कहना है। मैंने पहली वीडियो के अंदर भी आपको चैलेंज किया था कि आप हमें 25 अपने उलमा कलाम के नाम बताएं, उसमें से खादिम हुसैन रिजवी रहिमहुल्लाह तआला वो तो एक हो गए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़ उल्तरा ये भी हो गए, इसके अलावा जो करंटली जय मोहम्मद मिर्जा साहब को जवाब दे रहे हैं आपके उलमा कलाम, उनको भी जाओ शामिल कर लिए, 7 से 8 जाओ ये उलमा कलाम बनते हैं। इस तरह 15-16 के नाम आप और दे दें जिन्होंने एक वक्त में कुरान पाक की तफसीर, कुरान पाक का तर्जमा और कुरान पाक की तिलावत की हो।
तो उन उलमा इकराम के आपने नाम बताने हैं, फिर हम आपको बताएंगे। और ये बात मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, इतनी जाओ इस वजह से गलतियां निकलेंगी, इतनी निकलेंगी कि सरकार गिननी मुश्किल हो जाएंगी। वो जिस असूल के मुताबिक आपने मुझे कहा कि ये जाहिल है, इसको कख नहीं पता, इसको पढ़ना नहीं आता, ये जो अंजलि मिर्जा का स्वर्ण बना फिरता है, तो फिर उसी असूल के मुताबिक आपने अपने उलमा इकराम को जाहिल कहना है कि ये इतनी बड़ी जॉब मदरसे की डिग्रियां इनके पास है। मेरी तो एज आप समझ के 18-19 साल है, लेकिन आपके उलमा इकराम की जॉब 50-60 साल उम्र है, तो इतना टाइम हो गया उनको दिन को स्टडी करते हुए, लेकिन अभी तक उनको कुरान पढ़ना नहीं आया। तो ये सारी बातें जाओ आपने अपने उलमा इकराम को कहनी है, और अगर आप नहीं कहेंगे ना, तो फिर आपसे बड़ा मुनाफिक मेरी बहन कोई नहीं है। ये बात आपने इस वास्ते याद रखनी है। मैं जो अपने छोटे चैनल के ऊपर आपको जवाब दे रहा हूँ, वो स्पेशली वो चैनल मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है ना, आपको जवाब देने के लिए। गुलाम हैदर 2.0 डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर रेगुलर जाओ आपके वास्ते वीडियोस अपलोड हो रही है, और आपकी बोंगी को इस वास्ते एक्सपोज किया जा रहा है। जो रिसेंटली आपने जब मोहम्मद इमजा साहब के वास्ते बोंगी मारी, हर दिमाग का मतलब जो वो गधे का दिमाग है, इस तरह की आपने बोंगी मारी, तो मैंने अपनी लेटेस्ट वीडियो के अंदर आपकी धज्जियां उड़ाई है, उसको चेक जरूर कीजिएगा। तो ये मैंने आपको इस बात से बता दिया है। बाकी एंड के ऊपर दोबारा मैं ये बात रिपीट कर दूं कि जिरम मोहम्मद इमजा साहब का मेरे आपके ऊपर वीडियो बनाने से कोई भी लेना देना नहीं है, अली भाई का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अल्लाह पाक को गवाह बनाकर ये बात कहता हूं कि मेरी जिरम मोहम्मद इमजा साहब से ऐसी कोई बात नहीं हुई कि अंजलि मिर्जा साहब मुझे कहते हो कि भाई लाला बतूल के ऊपर वीडियो बनाओ, मेरे तुम जाओ इस बात से मेरा दिफा करो, लाला बतूल को ऐसे कर दो, लाला बतूल को वैसे कर दो। अल्लाह की कसम मेरी जाओ अली भाई से कोई बात नहीं हुई। और जो बंदा भी इस बात से झूठ बांध रहा है ना, उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, और हर लानत करने वाले की लानत। और इस मामले में मेरी बहन, अगेन मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपके ऊपर 100% लात पड़ चुकी है, क्योंकि मुझे जाओ अंजिर मोहम्मद इमजा साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो ना ही कभी ऐसी वैसी इस वास्ते बात हुई है। और यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ कि प्लीज अपना थोड़ा सा लेवल आप बढ़ाएं, इस तरह के बच्चों हरकतों से बाहर निकलें। अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले कि ठीक है तुम लोग अंजलि मिर्जा को प्लम्बर कहते हो, जाहिल कहते हो, और अरबी जो उसको नहीं आती, इसके अलावा तुम लोग खर दिमाग भी कहते हो, चले वही मतलब आप ले लें कि अंजलि मिर्जा गधे के दिमाग वाला, वही खर दिमाग जो आप यूज कर लें, तो ये सब कुछ अंजलि मिर्जा को कहने के बावजूद आप उससे जाओ परेशान क्यों हो? आपकी उस बंदे ने नींद क्यों हराम की हुई है? उठते बैठते जागते आप अंजलि मिर्जा करते रहते हो। अगर वो इतना ही फारिग बनता है, इतना जाहिल बनता है, इतना खारतमाक बनता है, तो आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? आपकी चीखें जो इस वजह से क्यों निकल रही हैं? तो आप इसका जवाब मेरी बहन क्या जवाब दोगे? लिहाजा मेरी बहन, मैं दोबारा अपनी बार रिपीट करता हूँ कि अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाएं और अकायद के ऊपर बात करें, यानी कि जो आपके अकीदे बुजुर्ग लिख कर गए हुए हैं, तो उस मामले में आपको वीडियो रिकॉर्ड करवाएं, ताकि हमें भी जाओ आपसे बात करने का मजा आए। तो ये खैर चले, मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर दी है। बाकी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके दूसरे बात पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।